place where I felt at home. ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, जो कल हमने थार वाली आपको स्टोरी बताई थी कि थार जल गई थी हाईवे पे पानीपत जाते हुए दिल्ली से, और वो जगह थी भाई गन्नौर के आसपास। अब मेरे को कल तक ना बस यही पता था कि उस थार में आग लगी है, उससे आगे क्या हुआ उस थार के साथ, वो सब कहानी आज आपको मैं बताने वाला हूँ। क्वेश्चन भी आ रहे हैं अपने पास कि यार उस थार के जो पैसेंजर्स थे उनके साथ क्या हुआ है। कई सारे नेगेटिव क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि यार आप महिंद्रा की बुराई क्यों कर रहे हो। जो महिंद्रा लवर्स हैं, जिनके पास महिंद्रा कार है यार, वो लोग भी मतलब एक नेगेटिव वे में कमेंट कर रहे हैं यार, मेरे पास दो दो महिंद्रा कार है, एक मेरे पास थार है, एक मेरे पास स्कॉर्पियो है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यार मैं आपको सच्चाई ना बताऊं कि हुआ क्या एक्चुअल में गाड़ी के साथ। हम लोग वीडियो लेके आते हैं जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। अब मैं आपको पूरी स्टोरी आज बताने वाला हूँ इस थार के साथ हुआ क्या एक्चुअल में। मेरी आज बात हुई थी थार ओनर के साथ, तो जो गाड़ी है ना भाई वो पूरी तरीके से जल चुकी है, और अभी उन्होंने क्लेम के लिए अप्लाई किया और गाड़ी को पीपी ऑटोमोटिव पानीपत सर्विस स्टेशन के अंदर गाड़ी को खड़ा किया है। और आपको जो इंसिडेंट हुआ है ना प्रॉपर इन डिटेल मैं बताऊंगा। चार पैसेंजर्स थे, एक वो ओनर खुद के तीन फैमिली मेंबर्स, तो चारों पैसेंजर्स को वैसे कुछ नहीं हुआ है। तो उस सब चीज के लिए भी क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई पैसेंजर सेफ है कि नहीं। पैसेंजर्स को कुछ नहीं हुआ है, वो सारे लोग ठीक है। बट ये जो आग लगी है भाई वो गन्नौर के आसपास लगी है, तो पता ही नहीं लगा कि गाड़ी में आग लग चुकी है। जो साइड से दूसरी गाड़ी जा रही थी उन्होंने उनको बताया कि आपकी गाड़ी में से धुआं निकल रहा है, उसके बाद उनको अंदाजा हुआ कि भाई गाड़ी में आग लग चुकी है, तब उन्होंने वहां से निकले गाड़ी में से। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि महिंद्रा थार में दो ही गेट आते हैं, पीछे वाले दो पैसेंजर्स को निकालना कितना मुश्किल हुआ होगा वो मैंने उनसे बार बार पूछा, तो उन्होंने बताया भाई बड़ी मुश्किल से जान बचाई है। बट एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यार उनकी जान तो बच गई बट उनके सपने जल गए इस गाड़ी के साथ। पैसे खर्च करके इतनी बड़ी महंगी गाड़ी लेता है बट उसके बाद इस तरीके से जल जाती है गाड़ी, तो भाई लिटरली बहुत दुख होता है। सो गाइस, अब मैं आपको ना पूरी स्टोरी बताता हूँ इन डिटेल। जो गाड़ी थी, ओनर का नाम अंकित तायल है, गाड़ी है अभी आज की डेट में पीपी ऑटोमोटिव पानीपत में खड़ी हुई है, पानीपत के रहने वाले हैं। तो गन्नौर के आसपास तकरीबन रात के 11:45 में गाड़ी में आग लगी, उनको फर्स्ट टाइम में पता नहीं लगा। साइड से जो गाड़ी जा रही थी उन्होंने उनको बताया कि आपकी गाड़ी में से धुआं आ रहा है, तब जाके उन्होंने गाड़ी को साइड में रोका और जल्दी से उन्होंने अपने जो पैसेंजर्स बैठे थे उनको निकाला, क्योंकि थार में दो ही गेट होते हैं तो भाई उनको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था उन पर। और हड़बड़ी में उन्होंने चारों लोगों ने उनको बाहर निकले, और देखते ही देखते थार ने, पूरी थार ने आग पकड़ ली। और आग लगने के बाद एक्चुअल में गाड़ी के साथ क्या हुआ, कैसे वो क्रेन से उठा के लेके गए, वो चीज़ अभी आप देखो, उसके बाद आते हैं और फिर आपको आगे निकालते हैं। अभी आपने देखा होगा कि गाड़ी को क्रेन से उठा के ले जाया जा रहा है कहीं पे। अब पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या एक्चुअल में। ओनर ने आरएसए लिया हुआ था कंपनी से, बट आरएसए को उन्होंने कॉल किया रात को, तो जब गाड़ी जल गई थी और जलने के बाद जैसे ही गाड़ी की आग बुझाई गई उसके बाद उन्होंने आरएसए को कॉल किया। आरएसए ने 3 घंटे तक कोई अपना रिवर्ट नहीं दिया, ना कोई वहां पे आया क्रेन लेके, कोई मतलब ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला आरएसए से ओनर को। फिर उसके बाद तकरीबन 3-4 घंटे के बाद आरएसए ने एक क्रेन भेजी, और वो भी वो वाली क्रेन जो कि फ्लैट बेड होती है, जिससे कि गाड़ी को उठा के नहीं ले जाया जा सकता था दूसरी जगह पे। फिर हुआ क्या यार, एक तो एक्चुअल में एक ऐसा इंसिडेंट हो गया फैमिली के साथ, वो पूरा फैमिली वहाँ पे थे, जा रहे थे अपने घर पे, और उस टाइम पे अगर आपने कोई आरएसए जैसी कोई सर्विस ली हुई है जो कि आपको रोड साइड असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, बट वो इस तरीके से रोड साइड असिस्टेंस प्रोवाइड करती है उसको आप यूज ही नहीं कर पाते, कोई हेल्प नहीं मिली, तो वहाँ पे जो लोकल पुलिस थी उन्होंने आके बोला कि भाई अपनी गाड़ी को आप हटाओ यहाँ से, क्योंकि वो फ्लाईओवर पे थी गाड़ी। तो फिर उन्होंने लोकल क्रेन वाले को फोन किया, लोकल क्रेन मंगाई और गाड़ी को पहले हटवाया गया फ्लाईओवर से, फ्लाईओवर के नीचे ले जाया गया, जली हुई गाड़ी को फिर वो साइड में लगा के अपने घर वापस चले गए पानीपत। उसके बाद जब नेक्स्ट डे वापस आए उसके बाद फिर उन्होंने थार को उठा के लेके गए पीपी ऑटोमोटिव पानीपत, जहाँ की अभी करंट की डेट में वो गाड़ी है। तो ये थी पूरी स्टोरी, जो कि आप देख सकते हो कि आरएसए लेने के बाद भी कितना परेशान होना पड़ा कस्टमर को, तो भाई क्या ही फायदा है ऐसे आरएसए का। तो भाई इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करती है आरएसए कंपनी। आ जाते हैं उस कमेंट्स पे, जो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे अपने पास इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। तो भाई एक भाई ने कमेंट किया होता कि ये आपकी थार तो नहीं है, अपनी थार खड़ी हुई है पीछे बिल्कुल सेफ, बट वो भी अपने किसी भाई की थार थी, वो अपने गैंग ऑफ थार में वीडियो आई हुई थी, तो उन्हीं के किसी नोन की थार थी, दर्द हमने समझा, तो इसलिए हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए और आप लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि
भाई किसी भी गाड़ी में आग लग सकती है। अब नेक्स्ट कमेंट पर आते हैं, इसी बात से आगे इसको कंटिन्यू करते हैं कि भाई किसी ने कमेंट किया होता कि यार अब थार इतनी बिक्री है, अब उसके साथ क्या होने वाला है कि उसमें भी आग लग रही है। मतलब आपने पहले सुना होगा कि यार सीएनजी की गाड़ियों में ही आग लगती थी, बट पेट्रोल और डीजल की गाड़ी में भी आग लग सकती है, वो अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो भाई ये मशीन है, मशीन के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने एक बार टाटा हैरियर की वीडियो बनाई थी, तो भाई वो भी डीजल में टाटा हैरियर थी, वो भी कहीं सीएनजी वाली नहीं थी, तो उसमें भी आग लग गई थी। तो किसी भी गाड़ी के साथ हो सकता है अगर उसमें कोई भी मेल फंक्शन आ जाए। और इसे कमेंट पे जाते हैं कि एक भाई ने बोला था कि अगर हम आफ्टर मार्केट कोई भी म्यूजिक सिस्टम का काम कराते हैं, लाइट्स का काम कराते हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार गाड़ी में आग लग जाती है अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए। बट उन्होंने, मैंने बात करी ओनर से, उन्होंने कोई भी आफ्टर मार्केट का काम नहीं करवाया होता गाड़ी में, बिल्कुल गाड़ी को स्टॉक रखा हुआ था, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब मुझे लगता है कि रेडिएटर माल फंक्शन जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, वो एक रीज़न हो सकता है गाड़ी में आग लगने का। बाकी जब इन डिटेल पता चलेगा, पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद ही पता चलेगा गाड़ी में एक्चुअल में हुआ क्या था। तो वो आपको हम आगे टाइम टू टाइम बताएंगे जब भी नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, और गाड़ी के साथ जलने के बाद क्या हुआ वो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपको, इसलिए मैं ये वाली वीडियो लेके आया था। अब एक काम करते, इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम थार की और स्कॉर्पियो की वीडियोस बनाते हैं, मेनली ओवर लैंडिंग और एडवेंचर ऑफ रोडिंग आपको देखने को मिलेगी हमारे चैनल पे। तो एक काम करते हैं, वीडियो करते हैं यहीं पे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लिव यंग लिव फ्री।